आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सुपर सस का गेम प्ले और देखते हैं आज हमको कौन सा रोल मिलने वाला है। ये क्या नॉर्मल स्पेस क्रू दे रहे हैं भाई सुपर सस वाले, क्या बोलूँ मैं सुपर सस वालों को। तो मैंने यहाँ पे वेटरन का रोल सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि इंजीनियर के साथ जीतना तो एकदम ही ईजी पीजी है, सब विक्स करो अपना रोल प्रूव करो, लेकिन वेटरन के साथ जीतने में जो मज़ा आता है ना वो इंजीनियर और नॉर्मल स्पेस क्रू के साथ नहीं आता। अगर आपके पास वेटरन है तो इम्पोस्टर आप पे ट्राई लेके मर जाएगा। तो मैं जल्दी से स्वाइप मार लेता हूँ एडमिन का और मेरा एबिलिटी चार्ज होने ही वाला है और लोल मार दिया मेरे को। मेरा खोल चुका है खून, किधर है भाई बैक स्टैबर का कार्ड, किधर है? तो जल्दी से जल्दी मैं बैक स्टैबर का कार्ड लगा लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस मैच को। तो अगला मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और मैंने लगा लिया है बैक स्टैबर का कार्ड और वही वाला गंदा सा एनिमेशन आ चुका है न्यूट्रल फैक्शन का। गेम में बाउंटी हंटर आई हुई है और भी खतरनाक खतरनाक इम्पोस्टर रोल आए हुए हैं और इस बंदे ने मेरे को मारा था ना पिछले मैच में, ले तूने मेरे को मारा था ना, चल मैंने भी तेरे को बैक स्टैब कर दिया मैच के स्टार्टिंग में। हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है, अब तू कभी नहीं मारेगा मेरे जैसे बंदे को। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो अब आ चुके हैं हम अपने अगले मैच में और ये क्या फिर से वेटरन भाई, क्या क्या मतलब मेरे को वेटरन क्यों मिल रहा है इतना? ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। इस बार तो वेटरन पता नहीं क्यों मिला है मेरे को। तो जल्दी से चलते हैं अपना हर बार की तरह नेविगेशन का टास्क पूरा करते हैं ताकि मेरा एबिलिटी चार्ज हो जाए और फिर हम खुले में घूमेंगे ताकि कोई आए मेरे को मार के खुद ही मर जाए। तो एबिलिटी मैंने लगा दी और ये क्या डॉक्टर बॉडी लेकर जा रहा है, हमारे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर है कि अंडरटेकर इतना मेरे को नहीं पता, आई थिंक अंडरटेकर है वो बंदा। हाँ वो बंदा डॉक्टर नहीं, वो बंदा तो अंडरटेकर निकला, किल करके बॉडी घसीट के ले गया। चलो जल्दी से मीटिंग बैठाते हैं और अंडरटेकर को इस गेम से वोट आउट करके बाहर निकलवाते हैं। तो मेरे को पता है अंडरटेकर कौन है लेकिन इनमें से किसी और बंदे को नहीं पता है, तो चलो अंडरटेकर को वोट आउट करके निकलवाते हैं। तो रेड अपना अंडरटेकर था जिसलिए मैंने इसको वोट आउट करके निकलवा दिया है। अब हमारा एक इम्पोस्टर इस मैच से कम हो चुका है, हिप्नोमिनियन है कि नहीं उनका मेरे को अभी तक नहीं पता है, आई होप हिप्नोमिनियन मर गए होंगे अभी तक और अगर जिंदा रहते हैं तो बहुत दिक्कत देने वाले हैं। तो हनी भी मेरे से अटैच हो चुकी है जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मेरी एबिलिटी को चार्ज करने में भी हनी भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और ये सारे आपस में क्या कर रहे हैं, तो मैंने भी अपना एबिलिटी ऑन कर दिया, क्या पता कोई बंदा एक दूसरे को हिप्नोमिनियन बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी से रिएक्टर में चलते हैं और रिएक्टर का सबो फिक्स करते हैं, एबिलिटी मेरा चार्ज, और ये क्या हनी भी ने मेरा एबिलिटी भी चार्ज कर दिया है। हनी भी और वेटरन क्या ही डेडली कॉम्बो है, क्या बोलूँ मैं, मतलब कि वेटरन बन जाएगा एकदम ही पावरफुल। तो मैं रिएक्टर का टास्क कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एबिलिटी ख़त्म हो चुका है, वैसे भी ये लोग मीटिंग बैठाने वाले हैं बहुत ही जल्द, उससे पहले पहले टास्क पूरा कर लेते हैं। तो जैसे ही मेरा टास्क पूरा हुआ वैसे इन लोगों ने मीटिंग बिठा दिया, अब देखते हैं ये मीटिंग में कौन से बंदे को वोट आउट, और इन लोगों ने ऑरेंज को फालतू में वोट आउट करके निकलवा दिया है, पता नहीं क्यों वोट आउट किया है मेरे को, क्या जनसंख्या कम होती रहे बस स्पेस क्रू की, एंड में तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि तुम्हारे भाई के पास है वेटरन की पावर और इस वेटरन की पावर को हराना इम्पॉसिबल है। तो मेरा एबिलिटी फिर से चार्ज हो चुका है क्योंकि मेरे साथ हनी भी अटैच है और मेरी एबिलिटी को कोई भी नहीं रोक सकता, मेरी एबिलिटी अब नॉन स्टॉप हो चुकी है, इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है मेरी एबिलिटी में, बस चार्ज पे चार्ज हो रही है। तो ऊपर वाला मैं नहीं फिक्स करूँगा, नीचे फिक्स करूँगा, इम्पोस्टर मेरे को किल करने आए ताकि, और जहाँ पे मैंने सही टाइम पे अपना एबिलिटी ऑन कर दिया और ये मेरे को सायन मारने आया और खुद ही मर गया। इसी के साथ हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं। सायन का प्लान था हनी वी को मेरे से अलग करना लेकिन वो मेरे को हनी बी को मेरे से अलग नहीं कर पाया है जिसकी वजह से वो बेचारा खुद ही मर चुका है। और इसी के साथ मेरे को मिल चुका है एक तगड़ा सा MVP। चलो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट मैच में।
तो नेक्स्ट मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, मेरे को मिल चुका है क्यूपिड, और क्यूपिड में मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेयर हूँ। एक बार मेरे हाथ क्यूपिड लग जाए उसके बाद तो पूरा स्पेस क्रू और इम्पोस्टर फैक्शन दोनों का मोए मोए करवा देता हूँ। और मेरे से हनी बी भी अटैच हो चुकी है, मतलब कि अब तो मेरे को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आज हनी भी मेरे से ही अटैच हो रही है। तो थोड़ा इधर रुक लेता हूँ, एनर्जी ड्रिंक मार लेता हूँ, सबके रोल पहले पूछूंगा उसके बाद ही लवर बनाऊंगा। और ये टाइम मास्टर मैं क्या बोलूँ, जब टाइम मास्टर ऐसे देता है ना टाइम रिवाइंड, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने अपना एनर्जी ड्रिंक आई होप मार लिया हो, मार तो ही लिया था, लेकिन वैसे ही मीटिंग बैठा दिया गया। अब देखते हैं मीटिंग में क्या सीन होता है। मीटिंग में पर्पल को वोट आउट किया जाता है, लेकिन पर्पल आई थिंक स्वैप पर था, वो सायन पे स्वैप मार देता है। तो हमको अब जल्दी से जल्दी पर्पल को अपना लवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्पल अपना स्वैपर है। तो मेरा एबिलिटी भी चार्ज है और ये आया पर्पल, पर्पल स्वैपर भैया। स्वैपर के साथ ही मैंने बना दिया है एक और बंदे को, वो है ग्रीन। स्वैपर और ग्रीन दोनों मेरे लवर बन चुके हैं और हनी भी मेरे से अटैच है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। मतलब कि पूरी गेम ही मैंने पलट के रख दी है इस टाइम पे। तो जल्दी से मीटिंग बिठाते हैं, अब सारे बंदों को एक एक करके वोट आउट करके निकलवा देंगे। तो ब्राउन इम्पोस्टर था, ब्राउन को वोट आउट किया, लेकिन हमारे स्वैपर ने फिर से वाइट पे स्वैप मार दिया। इस बार क्यों स्वैप वेस्ट किया उसने अपना, आई डोंट नो। वैसे भी गेम हमारे हाथ में है, जो मर्जी करे हमारा फैक्शन। इसी के साथ एक और बंदे को फालतू में वोट आउट करके निकलवा दिया गया है स्पेस क्रू को, और यहाँ पे रिएक्टर का सबोटेज दे दिया गया है। कोई बंदे ने मीटिंग नहीं बैठाई, मेरा तो मीटिंग बटन ही नहीं है मेरे पास, मेरा तो जिम्मी की एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन बाकियों ने क्यों नहीं बैठाई मीटिंग, क्या बोलूँ मैं। इम्पोस्टर ऐसे ही जीतते हैं, इम्पोस्टर इन्हीं लोगों की वजह से। तो पर्पल भाई ने मीटिंग बुला दिया, जल्दी से अब ये नेक्स्ट बंदे को वोट आउट करके निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमने ब्राउन को वोट आउट करके निकलवा दिया है। इसी के साथ ये मैच ख़त्म हो जाएगा और हम लोग जो है वो चार मेजोरिटी में रह जाएंगे और हम लोग इस मैच को जीत जाएंगे। पूरा गेम मार दिया बंदे ने, पूरा गेम मार दिया अकेले। भाई मेरे को लाइक दे दो, बदलू वो तो लाइक दे दे यार, सबको लाइक दे रहा हूँ, बदलू साले। अबे रेड मेरे को फॉलो कर ले यार, मेरे को फॉलो कर ले रेड, तू बदलू मैं रेड में रेड। तो यहाँ पे वो बंदा बोल रहा था भाई फॉलो कर ले, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है मेरा फ्रेंड लिस्ट बेचारा फुल ही तो रहता है हमेशा, इतने बंदे हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मैं किसको निकालूं किसको नहीं निकालूं यही नहीं समझ लगता है। तो अभी मेरे को मिल चुका है डॉक्टर का रोल, और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक नूब स्वैपर जब गेम में आ जाए तो वो क्या क्या कर देता है, मतलब पूरा गेम खराब कर देता है वो। इसलिए स्वैपर रोल बड़ा ही बेकार है। और अब तो गेम वालों ने गेम में नेजा भी ऐड कर दिया है। नेजा के बारे में क्या मैं क्या ही बोलूँ यार, बच्चे नेजा लेकर आ जाते हैं, सारे स्पेस क्रू को जला के राख कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से जा रहा हूँ वो रिवाइव करने के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर था। और मीटिंग बिठा दी गई है, येलो ही इम्पोस्टर है इसलिए हम सब येलो को वोट आउट करने वाले हैं, मैंने पहले ही बोल दिया है। येलो ने मेरे को गैस ले लिया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, येलो अपना वो है इम्पोस्टर, उसको सारे बंदे वोट आउट कर देने वाले हैं। तो येलो पे सारे वोट, और ये भाई देखो माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वो नूब स्वैपर है, उसने भूपिंदर पे स्वैप मार दिया। लकीली भूपिंदर जोगी जो अपना था वो हंटर था, इसलिए उसने येलो को हंट कर दिया। लेकिन जो स्वैपर एक नंबर का नूब है, इसकी वजह से एक स्पेस क्रू इस गेम से निकल चुका है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और मैच के एंड में इस स्वैपर को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, एक इम्पोस्टर ही बचा हुआ है और गेम में वो नूब स्वैपर जिंदा है। जब तक वो नूब स्वैपर गेम में जिंदा है तो हमारे जीतने के चांसेस कोई भी नहीं है। इम्पोस्टर ने O2 का सबोटेज दे दिया है, तो जल्दी से देखते हैं O2 फिक्स करने कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। तो जल्दी से देखते हैं, तो एक बंदा मैं इधर देख रहा हूँ फिक्स करने जा रहा है, और मीटिंग बिठा दी गई। अब देखते हैं मीटिंग में क्या होने वाला है। ये वाटर नाम के बंदे ने मीटिंग बिठाई है,
देखते हैं ये मीटिंग में कौन सा पानी मर चुका है, अभी स्नाइपर बचा है। अरे ले, अरे सुन ना भाई, बीजे मर चुका है, बीजे को मैंने हंट कर दिया, अभी स्नाइपर बचा है, अभी सिर्फ स्नाइपर। तो यहाँ पे सारे बंदे आपस में डिस्कशन करते हुए और सारे बंदे स्वैपर को गालियां दे रहे हैं। और अरे ब्लू को वोट करो, बीजे मर गया, मैं तुम्हारा स्वाइपर हूँ, ब्लू को वोट करो, ठीक है? ब्लू तुम्हारा इंपोस्टर है, ब्लू को वोट करो। लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। इसी के साथ एक और अच्छे बंदे को वोट आउट करके निकलवा दिया गया है इस स्वैपर ने। भाई ये दो बंदों पे स्वैप मारा है, ठीक है, और एक बंदे को इसने फालतू में वोट आउट करके निकलवा दिया है। और ये जो रेड है, इसका नाम देखो, जिस जैसे इसके नाम है वैसे उसके काम भी होंगे। तो जल्दी से चलते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। और ये इंडोनेशिया का झंडा लगा के आया है स्वैपर, लेकिन भाई ये इंडोनेशिया का वो इंडियन ही है। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। और लो भाई अब गया। जब चार बंदे बचे हैं तो वोट आउट करने की क्या जरूरत है? चार बंदे बचे हैं तो वोट आउट करने की क्या जरूरत है? एक इंपोस्टर बचा है, ग्यारह बंदे ऐसे के साथ स्वैपर की वजह से इस गेम को हम हार चुके हैं और स्वैपर को बहुत ज़्यादा गालियां मिली। आइए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।